ये बिच्छू का जहर है रावण, पीने वाले किसी भी चीज में दो बूंद मिला दो, पीने वाला नीला होके पीला हो जाता है। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है, किफायती और भरोसेमंद। और ये तेज असर भी होगा? यस। महिला, ये तो आदमी का नहीं जानवर का लगता है। हाँ, भैंस का है। भैंस का है? रविंद्र जी, धरे से कस के पकड़िए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना है। मुझे देना है। अरे नहीं नहीं, याद रहे ये जहर वाला ग्लास रवीना जी के लिए। उसी को दूंगा सर। स्मार्ट बॉय। थैंक यू। मुझे नहीं। टीलू, बी अ गुड बॉय, ले लो इंजेक्शन तुम्हारी भलाई के लिए। हाँ ले लो। हाँ रवीना जी, प्लीज एक दफा और कीजिए। मेरे गाल से लाइए। आ रही है। कौन है? कौन आ रही है? मेरी याददाश्त वापस आ रही है। याददाश्त? एक दफा और चलाइए। रवीना जी, मेरी याददाश्त वापस आ गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रवीना जी, आपका लाख लाख शुक्र है। जी जाता है आपको। I'm sorry. वो क्या है कि मैं अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ रही है ना? हाँ, आप समझ रही है। रवीना जी, I'm sorry. मुझसे गलती हो गई। चमत्कार हो गया। रवीना जी, इसी खुशी में आप मेरी तरफ से सारे नौकरों को बख्शिश दीजिए। हाँ, इनको मिठाई बांटिए। हाँ, इनको एक दिन की छुट्टी दीजिए। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तुम्हारे यहाँ? जी हाँ, हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह के बेटे अमर सिंह हैं। मेरे सिर्फ दो ही शौक है, शिकार करना और फुटबॉल खेलना। चैंपियन था मैं फुटबॉल का। अच्छा? की टीम में खेलता था मैं। रवीना जी, पागलपन का दौरा पड़ते जा रहा है, मुझे देना है। डॉक्टर के बच्चे, तू अपनी बख्शिश ले और चलता बन चल। अरे मैडम, ये तो सचमुच पागल हो गया है। बदतमीज लड़की, एक तो नौकरानी होकर सोफे पे चढ़ती हो और ऊपर से मुझे पागल बोलती हो, शर्म नहीं आती? और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आती तो पहले डॉक्टर को पता चलता। क्यों डॉक्टर? राइट। पहले मरीज को पता लग जाता कि वो ठीक हो गया कि नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? मैडम आप समझने की कोशिश। अरे अरे, जब से डॉक्टर आ गया तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। तेवर? आपके तेवर नहीं बदल गए हैं क्या? इलाज इनका हो रहा है या तुम्हारा? इनके साथ रह रहकर आप भी मरीज बन गए हैं। मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज? रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। तशरीफ रखिए। आज रॉबर्ट का जन्मदिन है और इस खुशी के मौके पे उसने खास शरबत बनाया है जिसे शरबत जन्नत कहते हैं। रॉबर्ट, शरबत पेश किया जाए। लेकिन सर, आपने बताया नहीं आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट। थैंक यू। कमान। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रैबिट। ये लीजिए ना। थैंक यू रॉबर्ट। सर लीजिए ना। हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट, हैप्पी बर्थडे। जियो जियो। चीयर्स चीयर्स एवरीबॉडी। रॉबर्ट की बर्थडे और मेरी याददाश्त वापस आने की खुशी में सबको चीयर्स। अबे काहे का चीयर्स? तू बोले तेरी याददाश्त वापस आ गई तो हम लोग मान लेंगे। अबे सबूत क्या है तेरे पास? सबूत मांगता है इडियट? अरे सब याद आ गए मुझे। चैंपियन था मैं फुटबॉल का, चैंपियन। रवीना जी चैंपियन। अरे 1988 का वो ऐतिहासिक मैच भी याद है मुझे, जब मैंने मोहन बगान के लिए लगातार 6 गोल मारे थे। 6? ये देखिए, मैं देखा था। मैं यहाँ पर खड़ा था और यहाँ पर दूसरे टीम का विकेट कीपर नहीं, गोल कीपर। बेवकूफ, गोल कीपर। ये फुटबॉल है, फुटबॉल। चलिए आप लोग अपने ग्लास लाइए। ग्लास लाइए। सर हमारा ग्लास क्यों? अरे लाओ भाई, लीजिए। अजीब नौकर इस घर में। चलो लाओ ग्लास। सोफे पे चढ़ती है बदतमीज। रवीना जी आपका ग्लास भी प्लीज। अरे रवीना जी को तो पीने दो ना। लो तुम लो। नहीं नहीं, नहीं हमको नहीं चाहिए। नहीं नहीं, लो तुम्हारी बर्थडे, तुम लो। नहीं नहीं, आप पी लो, खेलो फिर। हाँ, तुम्हें बॉल लेकर यहाँ से निकला। सब लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की। मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी यहाँ, कभी दाएं तो कभी बाएं, सबको बेवकूफ बनाता रहा मैं। बाकी सब इधर उधर भाग रहे, इधर उधर, सबको नचाते हुए ये जाके ये उसके बाद फिर यूं जाके यूं जाके मैं गोलकीपर के पास पहुंच गया। फिर गोलकीपर को थोड़ा नचाया, फिर ये और ये गोल। मिल गया सबूत, आ गया यकीन। हाँ आ गया। ये लीजिए अपना ग्लास, ये लीजिए अपना अपना, ये लीजिए। अरे अजीब ना करें, पहले दे नहीं रहे थे अब ले नहीं रहे। चलो लो। रवीना जी प्लीज। Cheers! Cheers! Cheers, everybody! Cheers! Cheers! Cheers.
गुड रॉबर्ट, वेरी गुड। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेरी गुड रॉबर्ट, वेरी गुड। अरे आप लोग पी क्यों नहीं रहे? पीजे पीजे, बहुत अच्छा है। अरे क्या कर रहे हैं, चलिए पीजिए। नहीं मैडम, क्या है, आज मेरा बर्थडे है ना, मैं लास्ट पिएगा। रवीना जी हा? ये तो आपकी तोहीन कर रहे हैं। रॉबर्ट, हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट। भला ये क्या हो रहा है? मैं पीता हूँ मैडम। पिया थैंक यू सर। अभी आप पियो। रवीना जी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। भला पियो ना। अरे पियो 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 ना। पियो पियो पियो। हाँ अबे अंदर ले, अबे ले, अबे ले अंदर, अबे ले, अबे ले तो ये लगाओ सर पे, अबे ले तो नहीं तो लगा बम पे। क्यों प्यार न केले, ये आइडिया तेरा ही था ना कि करिश्मा को खुश कर और रवीना के बारे में पता चल जाएगा। हाँ तुमने बात की, कुछ बताया उसने? क्या बताती है यार वो, जब भी रवीना के बारे में पूछता तो बस घूरने लग जाती है वो। बेटा करिश्मा तुझे चाहने लगी है और मन ही मन तू भी उसे चाहने लगा है। हाँ वो तो है, लेकिन तुझे कैसे पता चला? पागल हो गया, करिश्मा के साथ शादी करके मुझे बाबरची बनना है क्या? तो टिकट कटाऊं भोपाल की? नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ये कहानी इंटरवल के बाद एक नया मोड़ लेगी। रवीना के साथ शादी मेरी होगी, मेरी। डॉक्टर प्रेम खुराना, कहाँ हो तुम? अबे अबे चुप, अबे चुप और चुप, ये ले चद्दर। किससे बातें कर रहे हो? अपने आप से। मेरी दर्द भरी कहानी कौन सुनेगा? मैं सुनूंगी। नहीं, सारा दिन सारी रात बिना पलक झपकाए बस सुनती जाऊंगी सुनती जाऊंगी। वो कहानी फिर कभी बाद में सुना दूंगा, अभी मरीज के लिए दवा। तुम्हें मरीज से इतनी मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत? मेरा पास चले तुम उसका गला घोट दो। क्या मतलब? मतलब ये कि दवा घोट कर गले में उतार दूं ताकि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। ओह आई सी, ये आवाज कैसी है, क्या उबल रहा है? ओह ओह मेरा दर्द उबल रहा है। दर्द तो वहाँ भी उबल रहा है और यहाँ भी, सभी परेशान है, मगर क्या करें? तुम तीरू को जल्दी ठीक कर दो ताकि कुछ गाना बजाना पार्टी शार्टी हो जाए। वैसे तो मैडम को भी गाना बहुत पसंद है। मैडम को गाना पसंद है? रवीना जी को? तो सुनो, मुझे पहले से ही लग रहा था ऐसा ही गड़बड़ होगा। ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन हमारा ही गेम हो जाएगा। कलेजा ठंडा हो गया मेरा। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। क्या वो जो दो नंबर का लड़का? शट अप रॉबर्ट। तेजा साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, शेर के इलाके में आ जाने के बाद शिकार कब तक मौत से बचता रहेगा? मेरे नए प्लान के मुताबिक। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले दस दस हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल दस पैसे की भी नहीं है। अगर ज्यादा दिन इनके साथ रहा ना तो कोई तेरा ही पत्ता बिछा देगा। तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, तू ही कुछ कर तेजा, अपने पैरों पे खड़ा हो जा तेजा, हो जा। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, लगता है मुझे अब तुम लोगों के ही पत्ते बिछाने पड़ेंगे। हर साल की तरह कल मायावी टीले पर मेला लग रहा है, ये दोनों लड़कियां भी उसी मेले में जाएंगी, वहीं पर उन दोनों को मार दिया जाएगा। अच्छा है अच्छा है, लेकिन इस बार टीले पर मैं भी चलूंगा, आगे के पत्ते अब मैं ही पिसूंगा। लेकिन वो दो पपलू, तो पपलू टपलू का क्या करना है? वेरी सिंपल, उन दोनों की भी मौत मेरी हाथों लिखी है, प्लान के मुताबिक। रवीना जी जल्दी चलिए ना, अरे टीले में पहुंचने का टाइम होता है, तभी मनोकामना पूरी होती है। अरे आगे पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रही है वो अमर? जी जी जी, ऐसे शुभ मौके पर ऐसे अशुभ आदमी का नाम नहीं लेते। चाचा जी चलो।
क्यों मुन्ना, अपनी बहन को कहाँ ले जा रहे हो मुन्ना? बहन अंधा है क्या? बहन बोलता है, चलो बाहर बैठिए। चलो चलो चलो, आ जा बैठ बैठ, आ जा मुन्नी, आ जा मेरा हाथ ले लो। नहीं तो बुढ़ा बुढ़ा आ जा, आ हा आ जा आ जा। क्या बात है बेटी, तुम्हारे चेहरे का नूर क्यों गायब है? लगता है किसी और के साथ जाना था और जा किसी और के साथ रही है। या खुदा, तेरा भी क्या दस्तूर, लंगूर के मुंह में अंगूर। रवीना जी को लंगूर बोला? नहीं मुन्ना, मैंने तो मुन्नी को अंगूर बोला। अच्छा अंगूर बोला, अंगूर स्वीट स्वीट। मुन्नी जरा खिसक के बैठो, खिसक के बैठो। हाथ नहीं लगाना, चलो भाई बैठी ले बुड्ढा खुसट। मुन्ना आपने अब्बा को क्यों याद कर रहे हो? चलो 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 चलो, हम चलेंगे हम चलेंगे, हम सबके सामने से लेके चलेंगे। चलो 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 चलो। अरे मुन्नी के हाथ में फूल गिर गया। मुन्ना जरा उतर के उठा तो लो। चलो चलो, बहुत देर हो रही है हम लोग को, मैं और दूसरा ला दूंगा आपको। ला हाल वेला कुवत, हमारी अगर आठवीं बीबी का भी फूल कुतुब मीनार से गिरा होता तो हम छलांग लगा देते, और आजकल के नौजवान ला हाल वेला कुवत। चलो मैं उठा लेता हूँ। अरे बैठ, तू क्या उतरेगा चढ़ेगा क्या? चलो चलो चलो। अरे 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 रवीना, अरे बाबा, अरे दोस्तों, बुढ़ा जी का काले के जरा मेरे रवीना को वो क्या वो ना? अच्छा वो वो तो मैं हूँ। ये साले पपलू पपली इधर है, ये लोग कहाँ हैं? सर सर, कितने तुम लोग इधर हैं? सॉरी सर, गलती से नींद आ गया सर। वो गन किधर है? बंदूक गन है ना? है मेरे पास, ये लीजिए। ये क्या है? ये वास्को डिगामा की गन है। किसके मामा की गन है? ये वास्को डिगामा की गन है, इसे निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं, नाम लेके फायर कीजिए, ठीक निशाने पे लगता है। यार मेरे को मार डालेंगे। सर एक मिनट, मैं देखता हूं क्या हो गया। ये क्या हुआ? क्या हो गया? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा।